नमस्कार। मैं आप लोगों के साथ में कोई अभी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे आप लोगों को मालूम है कि 8 जुलाई को हमारा एक प्रतिनिधि मंडल जम्मू में माननीय मिसेज रंजन देसाई, जो चेयरपर्सन डिलिमिटेशन कमीशन है, उनके पास गए थे अपना मेमोरेंडम लेके। तो उसमें हमने कुछ सीरियस मुद्दे उठाए थे जिसकी मैं कॉपी आप लोगों के सामने रख रहा हूँ अभी। तो हमने वहाँ पे सबसे पहला मुद्दा उठाया था कि सबसे पहले जो आपका प्रयास होना चाहिए कि वो ये होना चाहिए कि हमारे जो 7 लाख कश्मीरी विस्थापित देश और विदेश के अन्य अन्य शहरों में अपना गुजर बसर कर रहे हैं, पहले उनका रजिस्ट्रेशन किया जाए कि हमें पता चले कि हम लोग टोटल कितने विस्थापित लोग हैं। क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से जाएं, जो कि आप लोग भी अपना गूगल सर्च कर सकते हैं, उस पे अगर हम रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट जम्मू की बात करें तो उनके रिकॉर्ड के हिसाब से हम लोग 60,000 फैमिलीज़ वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं और 23,000 फैमिलीज़ जो हैं एज़ पर दियर रिकॉर्ड्स J&K से बाहर रह रहे हैं। जबकि हमारा जो एक फिगर है, जो हम बार बार डिस्कस करते हैं डिफरेंट फोरम्स पे, कि वो आर अराउंड 7 लाख कश्मीरी पंडित हो है माइग्रेटेड फ्रॉम कश्मीर, नॉट ओनली फ्रॉम 1991, द माइग्रेशन हैज़ स्टार्टेड सिंस 1930, जिसको हम बोलते हैं बटलूट, जब कश्मीरी पंडितों के साथ में नरसंहार हुआ था, अलग अलग टाइम पे लोग वहाँ से पलायन कर गए थे। जैसे हम कहते हैं कि कर्नाटका में कुछ फैमिली सेटल हुई, कुछ भद्रवाह में, कोई किश्तवाड़ में, ऐसे ही हमारी माइग्रेशन 1930 से शुरू हुई थी। तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पहले रिक्वेस्ट करी थी थ्रू डिलिमिटेशन कमीशन कि आप लोग पहले हमारी रजिस्ट्रेशन चालू कीजिए ताकि हम 7 लाख लोग जम्मू कश्मीर में रजिस्टर हो जाएं। उसके बाद भी अगर आपको कोई पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करनी है या कोई भी आपको एक्टिविटी करनी है, उसका फर्स्ट एक्सरसाइज ये होना चाहिए कि यू शुड ओपन द रजिस्ट्रेशन एंड गेट कश्मीरी माइग्रेंट्स रजिस्टर्ड। और सेकंड, हमने जो वहाँ पे मुद्दा उठाया था कि जो भी आपने PM पैकेज के अंडर एम्प्लॉयज़ को वहाँ पे अट्रैक्ट किया है, वापस उनको वहाँ पे बुलाया है, दे आर लिविंग ए मिजरेबल लाइफ। जो भी आप वीडियोस आप देख रहे हैं फेसबुक पे कि उन लोगों के पास में अलाटमेंट नहीं है, एक एक परिवार वहाँ पे, एक एक क्वार्टर में चार चार परिवार रह रहे हैं। उनको जो वहाँ पे एग्रीमेंट साइन किया गया है कि उनके जो बेनिफिट्स हैं वो एट पार विद जो एग्जिस्टिंग J&K गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को वहाँ पे सैलरीज दे रही हैं, अदर बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, तो उनको बकरे की तरह वहाँ पे ले जाके वहाँ पे थोसा जा रहा है, ज़बरदस्ती दिखाने के लिए कि कश्मीरी पंडित्स का रिटर्न वापस हुआ है, PM पैकेज में लोग वापस आ गए हैं। उनको वहाँ पे सेकेंड क्लास सिटीजन का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उनकी जो सैलरीज है वो 40% दी जा रही है, उनकी रिटायरमेंट जो है वो जो है उसके बाद पेंशन बेनिफिट्स नहीं हैं। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि अगर आप लोगों को एनकरेज कर रहे हैं वहाँ पे PM पैकेज में वहाँ पे ज्वाइन करें, तो उनको एट पार विद J&K गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं जो PM पैकेज के बाहर हैं, उनके सैलरी दी जाए, उनके बेनिफिट्स दिए जाए, उनको पेंशन दी जाए आफ्टर रिटायरमेंट। उनको कभी 5 साल का प्रोबेशन होता है जी, आपको पहले 5 साल, आज अगर हम प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब करते हैं, मैं भी प्राइवेट सेक्टर में पिछले 71 साल से जॉब कर रहा हूँ, तो प्रोबेशन पीरियड शुड नॉट बी मोर देन 6 मंथ्स, दैट इज़ इन प्राइवेट सेक्टर। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट गवर्नमेंट सेक्टर, इट शुड बी इवन लेसर। तो ये एक तरफ से हेरासमेंट है, जो आज पन्नू कश्मीर ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें डॉक्टर अग्निशेखर जी बोल रहे थे, डॉक्टर अश्विनी त्रंगू जी बोल रहे थे, वो भी यही मुद्दा बोल रहे थे कि ये तरीका बिल्कुल गलत है, ये एक फोर्सिबल रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित जो किया जा रहा है, इसको तुरंत प्रभाव से इसके ऊपर गवर्नर साहब को गौर देना चाहिए कि ये प्रैक्टिस है, ये गलत है, इससे एनकरेजमेंट हमारे समाज में नहीं होगी। क्योंकि वो लोग वहाँ पे परेशान हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि जो लंदन में रह रहा है, जो कनाडा में रह रहा है, या जो इंडिया के अलग अलग पार्टों में रह रहा है, कि वो इन कंडीशन में वापस जाए। उसके बाद हमने जो ट्रांजिट एकोमोडेशन वहाँ पे है वो एक परमानेंट एकोमोडेशन नहीं है, बिकॉज आवर डिमांड इज़ सेटलमेंट एट वन प्लेस। तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का मैं जो कल गवर्नर साहब का जो स्टेटमेंट आया है, जो मैं आप लोगों के सामने अभी पढ़ना चाहूँगा कि आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा कि गवर्नर साहब ने जो कल एक हाई लेवल मीटिंग वहाँ पे बुलाई है, उसमें उन्होंने क्लियर कट ये मेंशन किया है, ये विभिन्न समाचारों में निकला है, काफ़ी सारे इसके वीडियोस वायरल हुए हैं,
सोशल मीडिया पे, श्रीनगर जुलाई 17, द गवर्नमेंट ऑफिशल्स मस्ट टेक प्रोएक्टिव स्टेप्स टू फैसिलिटेट द रिटर्न ऑफ कश्मीरी पंडित कम्युनिटी हु वर फोर्स्ड टू फ्ली देयर होम्स एंड नाउ सेटल्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। क्योंकि कुछ लोग पीएमओ में गलत मिसगाइड कर रहे थे कि जो बाहर लोग सेटल है वो कश्मीर नहीं आना चाहते, इसको भी हमने एड्रेस किया है। उसके बाद में ये स्टेटमेंट आया है, देयर आर मेनी फैमिलीज लिविंग इन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड अब्रॉड हु आर विलिंग टू रिटर्न होम और रजिस्टर देमसेल्व। ऑफिशियल्स ऑफ यूटी गवर्नमेंट मस्ट रोल आउट एन एक्सटेंसिव एक्सरसाइज टू रीच आउट टू देम थ्रू प्रॉपर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरा जो स्टेटमेंट आया है गवर्नर साहब का वो है, लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा मेड दीज रिमार्क्स ड्यूरिंग अ मीटिंग चेयर टू व्यू द फंक्शन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट हियर एट राजभवन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट एंश्योर दैट ऑल द पॉपुलेशन ऑफ कश्मीर माइग्रेंट्स इज रजिस्टर्ड विद J&K गवर्नमेंट। मैनी पीपल यर्न फॉर देयर ओल्ड लाइव एंड वुड लाइक टू रिटर्न टू देयर होमलैंड। Some families are well settled elsewhere, but they want to come here to pay obeisance to their motherland and get registered as Kashmiri migrants. Work on this with utmost sensitivity and sincerity, observed the Lieutenant Governor. तो ये गवर्नर साहब का एक वेलकम स्टेप है जो उनको होम मिनिस्ट्री से, हो सकता है डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट वहाँ पर गई है, जो हमने प्रेजेंटेशन वहाँ पर दी है, तो गवर्नर साहब को इंस्ट्रक्शंस गई हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो ये एक बहुत बड़ा वेलकम स्टेप है कि सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन की जाए। इसके बाद दूसरा, हमने जो रजिस्ट्रेशन के बाद में एक अपील की है उनसे कि प्री 89, जो 89 में वहाँ पे वोटर लिस्ट थे, तो उनको वापस से बहाल किया जाए और उसके बाद जो हमारी जनरेशन हैं जो आज 18+ हो गए हैं उनको वापस से रजिस्टर किया जाए और उसके बाद ही कोई पोलिटिकल प्रोसेस वहाँ पर शुरू की जाए। तो मैं एक मेमोरेंडम में आपको एक पॉइंट है जो हमने आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। वायर एवर द कश्मीरी पंडित अदर माइनॉरिटीज वायर इन मेजॉरिटी एंड इन अ पोजिशन टू विन इलेक्ट्रोरल बैटल्स ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ इन द कश्मीर वैली, दोज कॉन्स्टिट्यूंसीज वायर डिवाइडेड एंड डायल्यूटेड डेमोग्राफिकली एंड ज्योग्राफिकली टू पे वे फॉर द मेजॉरिटी कम्युनिटी टू विन इन इलेक्शंस इन अ सबरवेसिव मैनर। Then came the final blow in 1990 when Kashmiri Pandits and other minorities were prosecuted, massacred and thrown out of the valley, making them homeless in their own country. This unfortunate incident had the blessings of then ruling dispensation in the state. तो ये मैंने memorandum जो आपके सामने रखा है, जो मैं अभी आपके सामने कुछ points पढ़ रहा हूँ, तो ये चीज़ें already हमने government of India को through delimitation commission present की हैं। और इसका एक मेरे को लगता है जो कल स्टेटमेंट गवर्नर साहब का आया है, जो हाई लेवल मीटिंग हुई है, कुछ असर ग्राउंड पे दिखने लग गया है। तो इससे हमें एक्साइट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ये तो एक हमने 8 जुलाई को एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि हम अपनी जो प्रेजेंटेशन ऑन बिहाफ ऑफ पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर नेशनल यूनिटेड फ्रंट गवर्नमेंट के सामने रखें, उसके परिणाम आने शुरू हो गए हैं, बट इसमें कोई एक्साइटमेंट होने की बात नहीं है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ कि आप लोग ने जो हमारे को पॉइंट्स भेजे थे कि हमें वहाँ पे क्या बोलना है, आगे भी जो कुछ करेंगे आप लोगों के सामने रखेंगे, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होके करेंगे। जहाँ जहाँ हम गलत कोई स्टेप ले रहे हैं, आपको पूरा अधिकार है, हमें गाइड कीजिए, हमें मार्गदर्शन दीजिए। तो मेरा आप लोगों से एक बार और निवेदन है कि एक यूट्यूब चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि पूरी दुनिया को पता चल जाए कि कश्मीरी विस्थापित क्या चाहते हैं, अभी एक्टिविटीज़ क्या हो रही हैं, क्या हो रहा है, एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। मैं आप लोगों का ज़्यादा ना समय लेते हुए माननीय गवर्नर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ कि उन्होंने जो अभी ये रजिस्ट्रेशन के लिए बोला है कि प्रोसेस डायरेक्शंस दी हैं, इनफैक्ट कि ये प्रोसेस अभी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपने आप को रजिस्टर कीजिए, ये हमने उनको निवेदन किया है कि क्योंकि यहाँ हमारे जो विस्थापित लोग हैं वो दुनिया भर में रह रहे हैं, उनके लिए प्रैक्टिकली जम्मू आना रिलीफ कमीशन के बाद लाइनों में कतारों में खड़ा होना पॉसिबल नहीं है। जैसे आप लोग कोई ऑनलाइन पोर्टल बनाइए, उसको आप हाईलाइट कीजिए न्यूज़पेपर्स में,
अलग अलग सोशल मीडिया पे हम लोग भी अपनी तरफ से प्रयास करेंगे ताकि राइट मैसेज हमारे समाज के लोगों को अक्रॉस द ग्लोब पता चले कि इसकी प्रोसेस क्या है, कैसे अपने आप को रजिस्टर करना है, ताकि वो रजिस्टर हो जाएं और हमारी जो एग्जैक्ट पॉपुलेशन है 7 लाख जो हम लोग क्लेम कर रहे हैं वो कश्मीर में रजिस्टर हो जाएं एज ए कश्मीरी माइग्रेंट। उसमें जो 1930 से वहाँ से लोग निकले हैं, जो हमारे साथ पलायन हुए हैं वहाँ से, और जो 91 में 8वां पलायन था, तो वो दोबारा ना हो, इसके लिए हम लोग भरपूर प्रयास कर रहे हैं। और इस वीडियो को क्लोज़ करने से पहले मैं आप लोगों से दोबारा से ये एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि जो ये गवर्नर साहब ने बोला है कि कहीं जगह पे ये लोग अभी टेम्प्रेरी अकोमोडेशंस बना रहे हैं, जो हमारे भाई बहन वहाँ पे पीएम पैकेज में काम कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, तो ये कोई परमानेंट अकोमोडेशन ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल आज भी वही है, कल भी वही रहेगा, दैट इज़ वन प्लेस सेटलमेंट, जिसको हम इंडायरेक्टली होमलैंड बोलते हैं, परमानेंट कश्मीर बोलते हैं। उसके अलावा कोई अल्टरनेटिव नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, तो उसकी तरफ ये लोग चलें, उसकी तरफ आगे प्लान करें, हमें वहाँ पे एक ही जगह पे रिहैबिलिट किए, ताकि दोबारा से ऐसी सिचुएशन ना आए कि हम वहाँ पे कश्मीरी हिंदुओं को वापस से पलायन करना पड़ जाए। नमस्कार, जय हिंद, जय कश्मीर, जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।